चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी औकात रही है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो, उनसे आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे। ये दाढ़ी वाले का कोई पता नहीं कब दोबारा टीवी पर अवतरित होकर और कह देगी कल से नोट यहाँ पर जो है वोट देने का अधिकार भी बंद है। और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस प्रधानमंत्री उसका घेराव करें। मैं समझता हूँ मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद ठीक होगी, तो उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी औकात रही है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो, ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की, इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं, नंगा होता चला जा रहा है, और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी, और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है, 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है, और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में दो काम आने हैं, दो काम। मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी के, जो पलड़ा चढ़ रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता है लोगों को, आ हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार दो का अंत होगा, दो का, नंबर एक अंत होगा ईवीएम का, हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा, बचना नहीं है कुछ भी। साथियों मैं सिर्फ एक बात कहकर बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश के प्रधानमंत्री उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उस चीज की औकात। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम ऐसा है, समय है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया, भवन मिश्रा साहब ने भी दूसरी बार किया है, चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है, इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने, चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है, इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है, ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं, ऐसा ईवीएम का धंधा है, गौरव धंधा है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी बहन डॉक्टर ऋतु भी एक लड़ाई लड़ रही, मैं ये चाहता हूं मानन मेश्राम साहब से भी और आप सबसे भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए, और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर ऋतु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दें, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट्स से देश के आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी दो बातें कहकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको यह आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। यह देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है।
किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे, ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से।